हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई गुरुकुल। और आज हम करने वाले हैं यहाँ पे बायोलॉजी का द लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट लेसन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का के लिए। तो जो पीजीटी बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए, और टीजीटी साइंस या फिर पीआरटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास। तो चलिए, बायोलॉजी का यहाँ पे हम रिविजन वीडियो है, तो यहाँ शॉर्ट नोट्स करने वाले हैं हम सिर्फ। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कलेक्ट करके छोटे छोटे नोट्स हैं, तो ये टॉपिक वाइज हम सारे नोट्स करेंगे, बायोलॉजी के पूरे लेसन्स को कवर करेंगे। तो यहाँ पे समरी फॉर्म है आपके लिए, तो अगर आप डिटेल्स में इसको लेसन को पढ़ना चाहते हैं तो जनवरी से हम पूरे कोर्स को शुरू करने वाले हैं, तो उस कोर्स में हम पूरे लेसन को पूरे एक्सपैंड करके पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने समराइज नोट्स बनाया हुआ है, जो कि एग्जामिनेशन नज़दीक है, इसको ध्यान में रखते हुए शॉर्ट नोट्स में हम एक बार रिविज़न कर रहे हैं इसे। तो चलिए शुरू करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। सो द इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लीकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड एमरजेंस एट्सेट्रा आर यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ये सब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ यूनिक फीचर्स हैं, जो क्या है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, या फिर एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स। ये सारे जो है एक मेटाबॉलिज्म, या फिर एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, या फिर सेल्फ ऑर्गेनाइज, या फिर इंटरेक्ट करना, ये सारी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म की फीचर्स हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ को अब एक एक करके सारे फीचर्स को हम जान लेते हैं कि ग्रोथ क्या है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ इज बेसिकली इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, सो बोथ आर ग्रोथ। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाई सेल डिविजन। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाई सेल डिविजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। पूरे लाइफ स्पेन में ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो सेल डिविजन है पूरे लाइफ चलता रहता है। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज, हाउएवर सेल डिविजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। नेक्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। जो यूनिसेलुलर एनिमल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनकी ग्रोथ होती है सेल डिवीजन के द्वारा। सेल डिवीजन करने के बाद वो एक सेल से दो सेल बनते हैं, फिर दो जो डिफरेंट सेल होते हैं वो फिर अलग चार सेल बनाते हैं, और इस तरह से उनमें सेल डिवीजन के थ्रू उनमें उनका डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन बॉडी इन इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। और ग्रोथ एग्जिबिट बाई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सर्फिस। नेक्स्ट टर्म है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। इनवेरिएबली द इम्प्लिसिटी वे रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाई असेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। सो कुछ एनिमल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और कुछ प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। इन प्लानेरिया दैट इज फ्लैट वर्म वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। द फंगाई एंड फिलामेंटस एल्गी द प्रोटोनीमिया ऑफ मॉसेस ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाय द फ्रेगमेंटेशन। यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलर अल्गे और अमीबा रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विथ ग्रोथ। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड देर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस लाइक म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो केमिकल्स से बने होते हैं, एंड दीज आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे हज़ारों ऐसे रिएक्शंस होते रहते हैं पूरे टाइम उसकी उनकी बॉडी में, उनके शरीर में, बी दे यूनिसेलर और मल्टीसेलर, या फिर ये यूनिसेलर हो या मल्टीसेलर हो, ये केमिकल रिएक्शन सभी में होता है। एंड ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म नहीं करता, ओनली लिविंग थिंग्स में की है कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी में ऐसा होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। सो द मोस्ट ऑब्वियस
and technically complicated features of all living organisms in this ability to sense their surroundings or environment and respond to these environmental stimuli, which could be physical, chemical or biological. Plants also respond to external factors like light, water, temperature, other organisms, pollutants, etc. All organisms from the prokaryotes to most complex eukaryotes can sense and respond to the environmental cues. Human being is the only organism who is aware of himself, that is, has self-consciousness. जिसे हम बोलते हैं कि सेल्फ कॉन्शियस कौन होता है, सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने बारे में अवेयर होता है, सेल्फ कॉन्शियस होता है, उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस की भावना होती है. नेक्स्ट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग द सेल्फ रेगुलेटिंग और इंटरैक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी एक स्टोरी है लाइफ ऑन Earth. So biology is the story of evolution of living organisms on Earth. All living organisms, present, past and future, are linked to one another by the sharing of the common genetic material, but to varying degrees. So a common genetic material ke through jo past ki jo generations hai wo present generation se, aur jo present ki generation hai wo future generation se link hoti hai through the through the genetic material. Next topic hai hamara diversity in the living world. So if you look around you will see a large variety of living organisms, be it potted plants or insects, birds, your pets or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eyes, but they are all around you. This refers to the biodiversity or the number of and types of organism present on earth. There is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. So this process is called nomenclature. So itne sare animals hone ke baad bahut zaruri hai ki uska ek naming kiya jaye. That process is called the nomenclature. So nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. So this is identification. So for plants, scientific names are based on agreed principles and criteria, so which are provided in International Code for Botanical Nomenclature, that is ICBN. So ICBN ka full form pucha ja sakta hai. Keep in your mind, International Code for Botanical Nomenclature. So animal taxonomists have evolved International Code of Geological Nomenclature. So yahan pe ye bhi yaad rakhne wali term hai, ICZN. So ICBN aur ICZN, aap sirf itna yaad rakhna ki ICBN se botanical ho jata hai ya Z se जूलॉजिकल हो जाता है. सो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनिकलेचर एंड दिस आर बायोनॉमियल नॉमनिकलेचर. सो बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिज्म. ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट. सो दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड व्हाट? बायोनोमियल नॉमनिक्लेचर. सो बायोनोमियल नॉमनिक्लेचर क्या है? जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट जो है, इस दोनों को मिलाकर एक नाम बनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं बायोनोमियल नॉमनिक्लेचर. सो दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय द कैरलस लीनियस के द्वारा दिया गया था ये नेमिंग सिस्टम बायोनोमियल नॉमनिक्लेचर. So this system has given by the Carolus Linnaeus. Next, this naming system using two word format was found convenient. So other universal rules of nomenclature are as follows. So yahan pe kuch other hain jo universal rules hain. Biological names are generally in Latin and written in italics. So they are Latinized or derived from the Latin irrespective of their origin. The first word in a biological name represents the genus, while the second component denotes the specific epithet. Both the word in a biological name, when handwritten, are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. The first word denoting the genus
जीनस स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर. सो पहला वर्ड जो स्टार्ट होता है जीनस का वो कैपिटल लेटर होना कंपलसरी है. नेक्स्ट है व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विथ अ स्मॉल लेटर. जो एपिथेट वर्ड है वो स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, जस्ट फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आम यानी कि मैंगो का नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका. सो इट कैन बी इंसुलेटेड विद द एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका. जो आम जो होता है मैंगो, मैंगो का ये एक बायोलॉजिकल नेम है. क्या है ये? मैंगीफेरा इंडिका. सो कैसे लिखते हैं इसे? तो यहाँ पर जो पहला नाम है ये जेनेटिकल नेम है, इसका कैपिटल लेटर होता है. ये एपिथेट जो है स्मॉल लेटर में आता है. ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं. नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रिविएटेड फॉर्म लाइक मैंगीफेरा इंडिका लिन. सो लिन यहाँ पे क्या है? तो ये जो बायोलॉजिकल जो एंड में जो नाम आ रहा है ये है ऑथर का नाम है लिन. सो इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द लीनियस. सो लीनियस. It is necessary to devise some means to make this possible. This process is classification. Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. So this scientific term for these categories is taxa. So taxa kya hai? ये जो साइंटिफिक टर्म है जिस पे इसको डिवाइड किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसे कहा जाता है taxa. So taxa can indicate categories by at very different levels. Based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. So this process of classification is known as taxonomy. External and internal structure along with the structure of cell, development process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies. Next, characterization or identification, classification and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. Knowing more about different kinds of organisms and their diversities but also the relationships among them, this branch of study was referred to the systematics. So the word systematic कहाँ से आया? ये derived हुआ है Latin word systema से. Systema का मतलब क्या होता है? कि systematic arrangement of organism. Linnaeus used systema naturae as the title of his publication. उन्होंने अपने publication का नाम ही दिया था systema nature. ऐसा उन्होंने नाम दिया था Carolus Linnaeus ने. Now classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represent a rank or category. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category and all categories together constitute the taxonomic hierarchy. Next, taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum or division for plants. ये plants के लिए होता है कि plants में kingdom और phylum होता है या फिर division होता है. Class, order, family, genus and species. All organisms including those in plants and animal kingdoms have species as the lowest category. So यहाँ पे kingdom और especially जो phylum होता है, phylum या division ये plants के लिए होता है और बाकी सारे common होते हैं plants और animals दोनों के लिए. अब एक एक करके हम इनको जान लेते हैं. पहला है स्पीसीज. स्पीसीज क्या है? टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर्ड अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज. नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द स्पीसीज दैट इज सेपियंस. सेपियंस स्पीसीज है और विच ग्रुप इन द जीनस? सो जीनस इसका है होमो. तो साइंटिफिक नेम क्या है ह्यूमन बीइंग का? तो इसको लिखा जाता है होमो सेपियंस. होमो क्या है? यहाँ पे एच कैपिटल है और एस स्मॉल लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो स्पीसीज का नाम है स्पीसीज सेपियंस है तो ये स्मॉल लेटर में लिखते हैं और जीनस का नाम है होमो जीनस है तो यहाँ पे इसे कैपिटल में लिखा जाता है होमो सेपियंस. So the scientific name of human is Homo sapiens. Next है genus. Genus क्या है? Genus comprises a group of related species which has more characters in comparison to species or other genera. Genera are aggregates of closely related species.
Next is family. Family has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. Next is order. Order kya hai? Earlier categories like species, genus and families are based on a number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. So, order being a higher category is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. Now, class kya hai? This is the category includes related orders. Phylum. Phylum is classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum. Next is kingdom. Kingdom, all animals belonging to various phyla are assigned to highest category called kingdom Animalia in the classification of system of animals. The kingdom Plantae, on the other hand, is distinct and comprises all plants from various divisions. So basically, kingdom ki baat karenge to kingdom do part mein divide hai. Sare plants Plantae kingdom mein aate hain aur sare animals Animalia kingdom mein aate hain. Next, taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order. As we go higher from species to kingdom, the number of common characteristics go decreasing. So yahan pe dekh lete hain is chart ko ek bar. So lower the taxa, more are the characteristics and the member within the taxon share. Higher the category, greater is the difficulty to determine the relationship of other taxa at the same level. Here is the chart. The common name, man ka common name kya hota hai? Man ka man common name hai, jiska biological name hota hai Homo sapiens. Iska genus Homo and family is Hominidae. और ऑर्डर क्या होता है प्रीमाटा क्लास प्रीमाटा एंड फाइलम कॉर्डेटा हाउस फ्लाई बायोलॉजिकल नेम म्यूस्का एंड डोमेस्टिका और यहाँ पे जीनस म्यूस्का है और अगर आपका बायोलॉजिकल नेम मालूम है आपको इसका दिया हुआ है बायोलॉजिकल नेम तो आपको जीनस पूछा जाए तो ये ध्यान रखना है कि इसका फर्स्ट नेम ही इसका जीनस का नेम होता है नेक्स्ट है म्यूसीडिया एंड नेक्स्ट इज ऑर्डर फैमिली इसकी कौन सी है म्यूसीडिया एंड ऑर्डर डिप्टेरा और क्लास इसका कौन सा इंसेक्टा और फाइलम और डिवीजन क्या है आर्थ्रोपोडा मैंगो हमने अभी अभी पढ़ा मैंगीफेरा इंडिका और अगर इसकी बात करेंगे कि इसका जीनस है मैंगीफेरा और इसका फैमिली कौन सी है तो ये है एनआर एनआरकिडियसी नेक्स्ट ऑर्डर है इसका सेपिंडेलिस और नेक्स्ट क्लास कौन सा है डाइकोटाइलेडोन और फाइलम और डिवीजन इसका एंजियोस्पर्मी है वीट वीट का साइंटिफिक नेम बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम एंड द फैमिली हियर जीनस इज ट्रिटिकम एंड द फैमिली इज पोएसी एंड द ऑर्डर इज पोएलिस एंड मोनोकोटाइलेडोन क्लास इज मोनोकोटाइलेडोन एंड इट इज डिवीजन इज एंजियोस्पर्मी नेक्स्ट है हर्बेरियम हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस of collected plants or specimens that are dried, pressed and preserved on sheets. Further, these sheets are arranged according to a universally accepted system of classification. So these specimens along with their descriptions on herbarium sheets become extor house of respiratory or for future use. Herbaria also serve as quick reference system in taxonomical studies. Botanical gardens kya hai? These specialized gardens have collection of living plants for reference. Yahan jo collection hote hain bahut sare plants ke alag different different types ke yahan pe reference ke liye aur plant species in these gardens are grown for identification purposes and each plant is labeled indicating its botanical scientific name and its family. यहाँ पे जितने भी plants होंगे आप botanical garden जब भी visit करोगे तो आपने ध्यान देख से देखा होगा तो यहाँ पर उसका botanical name भी दिया होता है plants का common name के साथ उसका botanical name indicate होता है और इसका scientific name या फिर botanical name या फिर scientific name indicate होता है इसकी family भी लिखी होती है The famous botanical garden are at Q
क्यू इंग्लैंड में है, और इंडियन बोटेनिकल गार्डन एक है हावड़ा इंडिया में है, और एक नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ है में है इंडिया में ही. नेक्स्ट है म्यूजियम. बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस. म्यूजियम्स हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पाइसमेंट्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. तो म्यूजियम बोला जाता है जहाँ पर बहुत सारे बायोलॉजिकल आप चीज़ों को कलेक्ट करके रखते हैं. जनरली स्कूल या कॉलेजेस में होते हैं ये म्यूजियम, जहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर प्रिजर्व करके बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के स्पाइसमेंट्स को रखा जाता है स्लाइड्स के रूप में या फिर किसी स्पाइसमेन के रूप में. नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क. सो दीज आर द प्लेसेज वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर एंड विच एनेबल्स अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर. ऑल एनिमल्स इन अ जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशंस सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स. तो यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क्स वो प्लेस होता है जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और प्रिजर्व करके रखा जाता है ह्यूमंस की देख रेख में, और ये प्लेस होता है जहाँ पर उसे कोशिश की जाती है कि उनके नेचुरल कंडीशन में रखा जाए. नेक्स्ट अब की जान लेते हैं. हमने जो पूरा लेसन पढ़ा उसकी की समरी यहाँ पे क्या है. तो की इज़ अनदर टेक्सोनॉमियल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज. द की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कॉपलेट. It re-permits the choice made between two opposite options. The result is acceptance of only one and rejection is other. Each statement is the key is called in the key is called a lead. Separate taxonomic keys are required to each taxonomic category such as family, genus and species. For identification purpose, key are generally analytical in nature. So flora, यहाँ पे कुछ keys हैं. इसे key क्या होता है, तो key एक result है जो acceptance of only one rejection of other and each statement का जो key है उसे कहा जाता है lead. और next यहाँ पे क्या है, flora. Flora क्या होता है, flora contains the actual account of habitat and distribution of plants in a given area. This provide the index to the plant species found in a particular area. Next is manuals. Manuals क्या है, manuals are useful in providing information for identification of names and species found in an area. Next is monographs. Monographs contain information of any one taxon. So monographs में एक taxon के सारे जो एनिमल्स है या फिर प्लांट्स है उसको रखा जाता है. तो ये हमारा क्विक रिवीजन था ऑफ द लेसन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो दिस वाज द रिवीजन ऑफ द बायोलॉजी फर्स्ट लेसन द लिविंग वर्ल्ड. आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल. अगर आपको समझने में किसी भी तरह की कोई परेशानी हुई हो, कोई टर्म आपको जानना है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं. और इस वीडियो सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, हम चैप्टर वाइज सारे लेसन्स को रिवाइज़ करने वाले हैं. तो इस तरह अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप एक बार कमेंट में बताएं कि आप इस सीरीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं. अदरवाइज़ हम इस सीरीज़ को यहीं पे स्टॉप कर देंगे अगर आपको ये पसंद नहीं आती है तो. या फिर हमारा ये इनिशिएटिव है कि हम सारे लेसन्स को इस तरह समराइज फॉर्म में आपके लिए प्रेजेंट करें, जिससे कि आपके पूरे टॉपिक्स, पूरे लेसन्स जो PGT, PRT और TGT, तो ये PGT लेवल को थोड़ा सा ध्यान में रखा गया है और नेक्स्ट TGT और PRT दोनों के लिए, क्योंकि बायोलॉजी अगर आपका साइंस सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा ये आपके टर्म्स. तो चलिए शॉर्ट समराइज नोट्स है, लेंदी लेसन्स को हमने छोटे फॉर्म में डाला है. अगर इनिशिएटिव पसंद आए तो लाइक करिएगा और इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा. एट लास्ट कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग.